Good morning everyone. Good morning guys. Very good morning to all of you and welcome back to Study Mantra. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में. गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो कैसे हैं आप सब लोग गाइज? अगर सेशन लाइव हो गया है तो एक बार जल्दी से करके मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे कि यस मैम सेशन लाइव हो चुका है. लेट्स बिगिन द सेशन. और आप सब लोग कैसे हैं ये हालचाल जरूर बता दीजिए. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त और बिंदास होंगे. तो फिर सुबह की शुरुआत की जाए, आगाज किया जाए आज के दिन का. रेडी सब लोग? हाँ जी. ओके बिंती भोरिया राज गुड मॉर्निंग. सपना भी क्लास में आ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग. वीर लहरिया जी गुड मॉर्निंग. और बाकी जो बच्चे क्लास में अभी नहीं पहुंचे हैं वो भी जल्दी जल्दी से पहुंच जाएं. वैसे जो क्लास का टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे है एंड मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लेट है. ठीक है, तो इतनी सुबह तो आप लोगों को वैसे भी उठ जाना चाहिए. बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग की जो स्टडी होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है. और सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास मिल जाए तो फिर तो वो अच्छा है ना. तो चलिए पहली न्यूज जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुकी है. पहली न्यूज देखते हैं यहाँ पर क्या है. एक सेकेंड गाइज, आप लोगों के कमेंट्स के लिए ना मैं एक बार इसको सेट कर देती हूँ. ठीक है. सो पहली जो न्यूज है दैट इज गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है. गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है 2023 के लिए. सो पूछा ये जा रहा है कि ये जो अवार्ड है वो किस देश ने जीता है. और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही खुशी की बात है कि इस अवार्ड को जीता है भारत ने. किसने जीता है? इंडिया ने इस अवार्ड को जीत लिया है. अच्छा ये किस फील्ड में दिया जा रहा है, इंडिया ने इसको कैसे जीता है, ध्यान से सुनिएगा. जो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड है आपका, ठीक है, ये दिया जाता है किसके द्वारा? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जीएसएम के द्वारा दिया जाता है. जीएसएम जो है ना ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको यूके लंदन में मिलता है. इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर इसके जो हेड है उनका नाम है स्टीफन रिचर्ड. तो ये जीएसएम है यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल उन देशों को ये अवार्ड्स देती है जो कि अपनी कंपनियों को रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक है, हमें क्यों मिला है? हमें इसलिए मिला है मोबाइल के फील्ड में और दूर संचार टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में सुधार और जो हमारी पॉलिसीज है उनमें हमने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है. किसमें? टेली कम्युनिकेशन में. ठीक है, और आपका जो इसमें जो भी हमने पॉलिसीज वगैरह बनाई हैं जैसे मोबाइल नेटवर्किंग हो गया तो इसमें बहुत अच्छा बेहतरीन हमने कार्य किया जिसकी वजह से मिला है. तो ये जो कंपनी है ना जीएसएम, पैन कार्ड चला गया, जैसे जीएसएम जो कंपनी है ये 750-750 से ज्यादा मोबाइल ऑपरेटर्स, 400 से ज्यादा कंपनियों को रिप्रेजेंट करने वाला एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन है. ठीक है ना, तो जो भी कंट्री इस फील्ड में अच्छा काम करती है ये उसको सम्मानित करती है, उसको अवार्ड्स देती है. समझ आया सभी को? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल. सो अवार्ड मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि जीएसएम एसोसिएशन ने भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 दिया है जो कि दूर संचार सुधारों और सक्षम नीतियों पर देश के शानदार फोकस की एक वैश्विक मान्यता और स्वीकृति है. इज इट ओके? तो अब यहां पर क्या होगा, ये भी बोला गया है कि 5G के लिए भारत की अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी जो जुलाई में हुई थी, कुल मिलाकर 10 स्पेक्ट्रम बैंड में 72 GHz स्पेक्ट्रम बेचा गया था. 5G को भी यहां पर इंक्लूड किया गया है. ठीक है, और कहा गया कि 85% से ज्यादा मोबाइल टावर की मंजूरी भी अब तात्कालिक है, मिल गई है. 387 जिलों में लगभग 1,00,000 साइटों के साथ में दूसरे देशों के मुकाबले भारत में सबसे तेजी से 5G रोल आउट हो रहा है. यानी कि 387 जिलों में हम 5G सर्विसेज जो है वो रोल आउट कर रही है प्रेजेंट टाइम पर. ठीक है, चलो अब बात देखो यहां पर अवार्ड्स की है. सो कुछ और लेटेस्ट अवार्ड्स रिसेंटली दिए गए थे, एक बार उनके बारे में देख लेते हैं. जैसे कि बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया था और ये कौन से स्टेट को मिला? जम्मू कश्मीर.
जम्मू कश्मीर का जो गुलमर्ग शहर है वो चुना गया था। ठीक है, मार्कोनी प्राइज 2023 ये लेटेस्ट किसको दिया गया है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिनका नाम है हरि बालकृष्णन। क्या नाम है? हरि बालकृष्णन, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 की बात करेंगे तो ये किसको मिला था, जीएसडब्ल्यू के चेयरमैन है जिनका नाम है सज्जन जिंदल, सज्जन जिंदल। ठीक है, इनको दिया गया था। अच्छा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड, इसका आयोजन जो है ये ढाका के अंदर किया गया था, शेख हसीना जी के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया, तो ये किसको मिला है, ये मिला है महेंद्र मिश्रा को। ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। अच्छा यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है यहाँ लिख देती हूँ, इसके नीचे ये अवार्ड मिला है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। हाँ जी, इतनी चीजें नोट कर ली सब लोगों ने, एक सेकेंड आप लोगों के कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं। मैम मेरा सीएचएसएल का एग्जाम है, बहुत अच्छी बात है सपना कुमारी जी, बहुत अच्छी बात है, सीएचएसएल का एग्जाम है तो बस अपना जुट जाओ फिर तैयारियों में। हम अमित वर्मा आ गए हैं, गुड मॉर्निंग, दिल साथ में लेकर आए हैं, दिल लगा के पढ़ाई करनी है। माई साई राम गुड मॉर्निंग, सोमवीर वीर, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। देखो नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर टू पर, POTS एक बीमारी जिसने कोविड अमेरिकियों को प्रभावित किया। देखने में लग रहा होगा मैम कुछ होली सेलिब्रेशन का पढ़ाने वाली है, हाँ कोई फेस्टिवल नहीं, ये एक बीमारी है, ठीक है एक डिजीज है जिसने अमेरिकन्स को काफी प्रभावित किया है, मतलब बहुत सारे अमेरिकन्स हैं जिनको ये बीमारी हो चुकी है, इसके बारे में एक बार से जानेंगे। POTS है ये, इसका मतलब क्या होता है, पोट्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पोस्टुरल ऑर्थोस्टेटिक, ठीक है टैचिकार्डियक सिंड्रोम है ये आपका, एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी इसकी फुल फॉर्म। तो ये क्या बीमारी होती, देखो ये एक ऐसी बीमारी है जिन जिन लोगों को कोविड हुआ उनमें से ज्यादातर लोगों को ये बीमारी भी देखने को मिली है, कोविड के बाद 10 लाख लोगों को प्रभावित किया है इस बीमारी ने। एक स्टडी से पता चला है कि जिन लोगों को कोविड हुआ था, ठीक है उसमें से जिनको कोविड हुआ था उनमें से 2 से लेकर 14% जो लोग हैं वो इस बीमारी से भी ग्रसित हुए हैं। ज्यादातर ये जो बीमारी है वो वुमेन्स में देखने को मिली है जिनकी उम्र 15 से लेकर 50 वर्ष है। तो मैम ये बीमारी आखिर है क्या, इसमें होता क्या है, देखो जैसे होता है ना कि आप बैठे हुए हैं या फिर आप लेटे हुए हैं, जब आप बैठ करके या लेटे हुए हैं आप जब उठते हैं एकदम से तो आपके जो हार्ट बीट है ना वो बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है तो इसी को बोला गया है पोर्ट्स। हालांकि इसके सिम्टम्स और भी हैं, सर दर्द होना, चक्कर आना, वॉमिटिंग आना, ठीक है और भी काफी सारे हैं, बट मेन जो कारण बताया गया है वो यही है कि जब आप लेटे हुए हैं, जब आप बैठे हुए हैं, जब आप एकदम से फिर उठते हैं तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो जो नेशनल हेल्थ सर्विस है यूके का, उसी ने इस बीमारी को बताया है कि यही है आपका पोर्ट्स, ठीक है POTS जो है वो यही है। तो अमेरिका में ये काफी बड़े लेवल पर फैल गया है, जिन लोगों को कोविड था उन्हीं लोगों में ये बीमारी देखने को मिल रही है। अभी तक हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया है लेकिन इसके जो लक्षण है वो यही बताए जा रहे हैं, चक्कर आना, हल्का सर दर्द होना, बेहोशी जैसी हालत में रहना, ध्यान देने योग्य दिल की धड़कन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, हिलना, पसीना आना, दस्त, कब्ज, सूजन, पेट दर्द, ये सारी चीजें हैं, ठीक है तो ये सारी चीजें देखा जाए तो नॉर्मली भी हम लोगों को हो जाती है, कोई भी बीमारी कुछ नॉर्मल भी बीमारी होती तो भी हो जाती है, लेकिन जब आप उठ करके बैठते हो, बैठ करके उठते हो तो एकदम से जो हार्ट बीट फास्ट होती है ना वो मेन कारण है इस बीमारी का, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, POTS, ये है आपका पोस्टुरल ऑर्थोस्टेटिक टैचिकार्डिया सिंड्रोम। समझ आया सभी को, कहां फैली है ये बीमारी, अमेरिका में फैल गई है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हां जी, ये चांद सरोशन चेहरा, उनकी तो जुल्फे भी दिखाई नहीं दे रही है,
अच्छा, तो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति हैं जो कि हाल ही में चुने गए हैं, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर वो वाला गाना जा सकता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वही है ना, मेरे को गाने वाने आते नहीं है, बता देना, सही है ना। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं क्योंकि इनकी निगाहें कहीं हो रही है ना, कैमरे पे तो देख ही नहीं रहे हैं। अच्छा, नाम देखते हैं इनका क्या है सर। इनका नाम इनके पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट कर रहा है, बोला टिनबू। बोला टिनबू, ठीक है। तो ये नाइजीरिया के जो है नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जब हम नाइजीरिया की बात करते हैं, नाइजीरिया की, तो इसकी जो ये जो कंट्री है इसकी कैपिटल हो जाएगी अबूजा। यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है दैट इज नायरा, नाइजीरियन नायरा करेंसी यूज होती है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, मोहम्मद बुहारी, ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है, मोहम्मद बुहारी। यस, ये जो सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पॉइंट्स क्लियर है सभी को? अच्छा, तो देखो कुछ और नई अपॉइंटमेंट्स हुई थी अभी, उनकी तरफ लेकर चलती हूं मैं आपको। यस, देखो बांग्लादेश के अंदर नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे, उनका नाम क्या है। हां जी, तो ये अपॉइंट किए गए थे मोहम्मद शहबुद्दीन को। किन्हें अपॉइंट किया था? मोहम्मद शहबुद्दीन बनाए गए थे, ठीक है। चेक गणराज्य के भी तो नए प्रेसिडेंट बने थे, जो मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, पेट्रे पाल। पेट्रोल को हम चेक करते हैं ना डलवा करके, तो पेट्रे हो गया पेट्रोल से। न्यूजीलैंड में नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे, इनका नाम है क्रिस हिपकिंस, क्रिस हिपकिंस, ठीक है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं जो ध्यान रखनी। आ जाओ अब अगले सवाल पे। हाँ जी, लेखा महानियंत्रक ने मनाया 47वां सिविल लेखा दिवस। क्या मनाया है? सिविल लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे मनाया है, सिविल अकाउंट्स डे। तो रिसेंटली 47 सिविल अकाउंट्स डे सेलिब्रेट किया गया है। ऑन विच डेट इट सेलिब्रेटेड, ये कब मनाया जाता है आपका? तो भाई ये हर साल हम 1 मार्च को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1976 में स्थापना की जाती है भारतीय सिविल लेखा सेवा की, ठीक है। भारतीय सिविल अकाउंट्स जो है आपका सर्विस, इसकी स्थापना होती है 1976 में 1 मार्च को, इसलिए हम मनाते हैं 1 मार्च को। कौन है प्रेजेंट टाइम पर हमारे सीएजी, कंट्रोलर अकाउंट्स जनरल? गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हुड्डा जी आ गए हैं क्लास में, आते ही तहलका मचाते हुए क्लास में। भैया कोई और भी क्लास में है? हाँ, आप अकेले कब्जा जमा लेते हो पूरे कमेंट सेक्शन पे आते ही, क्यों भाई? बट समझ ना आ रहा क्या पढ़ू क्या नहीं। सपना कुमारी, देखो ऐसा ही होता है, पूरे साल अगर हमने पढ़ा है ना, तो लास्ट में नहीं समझ आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो कोई टेंशन नहीं है, पूरे साल पढ़ा है छोड़ दो, रिवीजन कर लो, जो कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देख लो, ठीक है, जो पार्ट वीक है थोड़ा सा उसको देख लो। अब समस्या उनकी आती है जिन्होंने पूरे साल पढ़ा ही नहीं है, वो सोचते कि अब हम क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, ठीक है। तो पूरे साल तो ये सोचते कि जब एग्जाम सर पे आएगा ना, कुछ दिन पहले घोट के पिए जाएंगे पूरा, अभी मजे करते हैं। और जब वो कुछ टाइम पहले जब आता है तो सोचते हैं आज पूरे साल कुछ नहीं हुआ तो अब इतने से दिन में क्या ही तीर मार लेंगे। तो भैया उनका होता है फिर बेड़ा गर्क, वो कहीं के नहीं रहते। तो आप देखो आप कौन सी कैटेगरी में हो, पूरे साल पढ़ाई करी है तो जो वीक पार्ट है उस पे काम करो, पूरे साल नहीं पढ़ाई करी तो जब पूरे साल कुछ ना हुआ तो फिर अब भी क्या होगा, तो फिर अपना चिल मारो, पेपर दे के आओ, ठीक है, सिंपल सा फंडा है बस। अच्छा, तो अब देखो फैक्ट्स की ओर लेकर चलते हैं। हमने अभी नेशनल साइंस डे मनाया था जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये 1 मार्च को मनाते हैं, ये मनाया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस एड्स प्रोग्राम, ठीक है। वर्ल्ड सी ग्रास डे, जो समुद्री घास होती है उसमें बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है, 60 से भी ज्यादा, तो उसको लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए ये भी हम 1 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं,
इज इट ओके गाइज? इस सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर कर देंगे सब लोग बिना किसी कंजूसी के, जल्दी से करके ना इतना सा काम कर दो, सेशन को कर दो लाइक एंड शेयर, ठीक है? हां जी ओके ठीक है, मोस्टली बच्चों का आंसर सही है, हुड्डा जी तो बस इनकी तो बात ही अलग है, क्या ही कहे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है दैट इज संन्यास के 10 साल बाद सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा बनाई जा रही है, इनका ना एक स्टैच्यू बनाया जा रहा है, ठीक है? सचिन तेंदुलकर का क्या बनाया जा रहा है, एक स्टैच्यू बनाया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह पे ये स्टैच्यू इनका बन रहा है। यस, आंसर करेंगे कौन सी जगह पे बन रहा है, तो देखो मुंबई के अंदर आपको मिलता है वानखेड़ा स्टेडियम, वानखेड़ा स्टेडियम है, इसी के अंदर आपको बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर यहीं पर है, तो वैसे तो ऑलरेडी यहां पर सचिन तेंदुलकर की एक प्रतिमा बनी हुई थी, ऑलरेडी इनका एक स्टैंड है जो कि यहां पर बना था। अभी संन्यास लिए इनको 10 साल हो चुके हैं और इनके संन्यास लेने के 10 साल बाद जो है एक और क्या बनाई जा रही है, इनकी प्रतिमा बनाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि अगर कोई अड़चन नहीं आई तो मोस्ट प्रोबेबली जो है 23 अप्रैल को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, और इनके नाम पे पहले से ही एक स्टैंड है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। अब बात यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की है, तो इनकी कुछ उपलब्धियां मैं आपको बता दूं। सचिन तेंदुलकर जो है देखो ये भारत के लिए 200 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, टोटल कितने 200 टेस्ट मैच ये खेल चुके हैं, 463 जो है ये वनडे खेल चुके हैं भारत के लिए, ठीक है, और वनडे इंटरनेशनल खेल चुके हैं, एक T20 हो गया ये खेल चुके हैं। इसके अलावा इनकी उपलब्धियां हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड इनके नाम पे है, 100 सेंचुरीज का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम पे, इनफैक्ट सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पे है जो अभी तक अटूट है, कोई तोड़ नहीं पाया है, और ये है 34,357 रन। सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है रन बनाने का वो अभी तक अटूट है, अभी तक उसको कोई ब्रेक नहीं कर पाया, और ये सबसे ज्यादा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं कुमार संगकारा, ठीक है? चलो भाई, तो ये कुछ इनकी उपलब्धियां थी, अचीवमेंट्स थी सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखनी है। और मोस्ट प्रोबेबली इनकी जो प्रतिमा का अनावरण है 23 अप्रैल को किया जाएगा जब इनका 50वां जन्मदिन होगा, ठीक है? ओके यस, सो सीधा चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखिए हाँ जी, ये न्यूज हमने पहले भी पढ़ी थी, एक दो दिन पहले हमने पढ़ा था, सिंगापुर एयरलाइन जो है और एयर इंडिया, इन दोनों की थी विस्तारा एयरलाइन, इसको क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया है, और उसका जो जो ब्रांड है वो खत्म कर दिया, मतलब उसका नाम खत्म कर दिया, उसका वजूद मिटा दिया, उसको पूरी तरह से विलय कर दिया विस्तारा एयरलाइन को। तो सिंगापुर एयरलाइन को एयर इंडिया समूह में अब हिस्सेदारी मिली है, वो पूछा जा रहा है कि कितनी हिस्सेदारी मिली है। हाँ जी, आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा, हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया समूह में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी मिली है, ये आपको बताना है। 30.8%, 25.6%, 28.1% या 25.1%। हमने देखा था कि जो विस्तारा एयरलाइन है उसको विलय किया गया, ठीक है, तो इसमें जो एक है सिंगापुर एयरलाइन, ये इन दोनों का संयुक्त उद्यम है, सिंगापुर एयरलाइन और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे एयर इंडिया। ओके, तो इन दोनों का इसमें ना सिंगापुर की जो एयर इंडिया की जो हिस्सेदारी थी वो 50.1% थी, इसमें विस्तारा की बात करेंगे, सिंगापुर एयरलाइन की बाकी थी 49% समथिंग, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या है, एयर इंडिया में अब सिंगापुर की कितनी हिस्सेदारी है, एयर इंडिया में सिंगापुर की 25.1% हिस्सेदारी है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। तो सिंगापुर एयरलाइन अब टाटा को कितने रुपए देगा,
कितना ये देगा, 267 मिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर, ठीक है, 267 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। और ये हिस्सेदारी जो है वो मिल जाएगी, किसको मिल जाएगी, सिंगापुर एयरलाइन को मिल जाएगी, किसके अंदर, एयर इंडिया के अंदर, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइन की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत पहले जो है एक दूसरे के साथ काम करना चाह रहे थे। ये बात है 1994 की कि सिंगापुर और टाटा ग्रुप जो है, ठीक है, इन दोनों ने मिल करके 100 विमानों के साथ एक एयरलाइन लॉन्च करने की योजना बनाई थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने ये कहा कि किसी भी विदेशी कंपनी को हम इस प्रतियोगित में शामिल, अपनी मतलब प्रतियोगी नहीं बनाएंगे, शामिल नहीं करेंगे। तो वो जो फैसला है वो पूरी तरह से ठंडा पड़ गया, वो डील जो है वो कैंसिल हो गई। 2000 के अंदर एक बार फिर से ये साथ आते हैं, 2000 में एयर इंडिया में हिस्सेदारी के लिए फिर से बोली लगाई गई, तो दोनों ने एक बार फिर से साथ काम करना शुरू किया। तो सन 2000 से ही टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइन है जो कि साथ में काम कर रही है। समझ आई यहां तक सभी को? चलो हाँ जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सॉरी, हाँ, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि किन्हें अपॉइंट किया गया है, नाम क्या है इनका। गाइस सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। देखो भाई, सिंपल सी चीज है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग क्लास को शेयर करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास में लेकर आओ। अदरवाइज मैं ये क्लासेस सीरियसली बंद कर दूंगी। मैंने बीच में भी पहले मैंने ऐसा ही किया था तो मैंने बंद कर दी थी, फिर आप लोगों ने बोला कि मैम क्लासेस क्यों बंद कर दी। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि क्लासेस को प्लीज शेयर किया करो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये किसका किया गया है, राजेश मल्होत्रा का अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है, किसका, राजेश मल्होत्रा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। पीआईबी के ये प्रधान महानिदेशक है जो कि अपॉइंट किए जा चुके हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए किन की जगह पे ये अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये सत्येंद्र प्रकाश की जगह पे अपॉइंट किए गए हैं। किसकी जगह पे, सत्येंद्र प्रकाश की जगह पे इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। चलो कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। देखो, अभी साइंस चीफ अपॉइंट किए गए हैं ऑफ नासा, नासा के साइंस चीफ अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम क्या है, निकोला फॉक्स। इनका नाम क्या है, निकोला फॉक्स, ठीक है। और ये ना यहां पर अपॉइंट की जाने वाली पहली महिला बनी है, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वुमेन बनी है, यहां पर अपॉइंट की जाने वाली फर्स्ट वुमेन बनी है। अच्छा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की, ये किन्हें अपॉइंट किया गया, अभी फिक्की के जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए थे, ये किन्हें अपॉइंट किया था, ये अपॉइंटमेंट मैंने कल ही बताया था आपको, अगर याद हो आप लोगों को, शैलेश पाठक नाम है इनका, ठीक है ना, शैलेश पाठक। फसाई के नए सीईओ ये कौन बने हैं, गाजी कमलावी राव, गाजी कमलावी राव फसाई के नए क्या बने थे, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। हां जी, क्लियर है क्वेश्चन यहां तक सभी को। चलो फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सक्सेसफुल्ली टेस्ट किया गया है। क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक में क्रायो का मतलब होता है ठंडा, जेनी मतलब होता है उससे बना हुआ उत्पाद, ठीक है, जलना या उससे बना उत्पाद। तो एक इंजन है जिसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है यहां पर, और किस चीज के लिए किया गया है, चंद्रमा मिशन के लिए। अभी देखो चंद्रयान 3 भेजने वाले हैं हम, क्या भेजने वाले हैं, अभी हम भेजने वाले हैं चंद्रयान 3, इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो इसी के लिए क्या है, हमने जो रॉकेट को शक्ति देने के लिए एक इंजन बनाया, इंजन ही तो होता है जो रॉकेट को पावर देता है, तभी तो रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक इंजन जो है रॉकेट बनाने के लिए उसको बना है, यह है C-820।
और इस इंजन का जो टेस्ट है वो किया गया है, जो कि सक्सेसफुली ये टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि किस स्पेस एजेंसी ने इसको टेस्ट किया, तो भैया इसरो ही तो करेगा ना। चंद्रयान 3 जब मैंने बोला तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि ये हमारे देश में ही किया जा रहा है, इसरो ने इसको टेस्ट किया। अच्छा, तो रॉकेट का नाम क्या है? LVM3M4 ये रॉकेट है। इसी रॉकेट को शक्ति देने के लिए इंजन है, CE20 इंजन है। ठीक है, इसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। इसको टेस्ट कब किया गया मैम? 24 फरवरी को तमिलनाडु के अंदर जो महेंद्रगिरी है जगह, वहां से इसको टेस्ट किया। ठीक है, तो इसको इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 25 सेकंड तक जो है इसको टेस्ट किया गया था। 25 सेकंड का एक परीक्षण था जो यहां पर किया गया। बस इतने से चीजें आपको यहां से याद रखनी है। किस मिशन के लिए हम इसको बना रहे हैं? चंद्रयान 3 के लिए बना रहे हैं। इंजन है CE20, रॉकेट हो गया LVM3M4 रॉकेट है। 24 फरवरी को हमने इस इंजन को टेस्ट कर लिया है, ये बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी हाँ, जो ये क्रायोजेनिक इंजन बताया जा रहा है, क्रायोजेनिक इंजन जो है ये ना एक रॉकेट इंजन है जो कि क्रायोजेनिक फ्यूल और ऑक्सीडाइजर पर चलता है, और दोनों ही लिक्विड गैसेस होती है जिन्हें बहुत ही कम टेम्परेचर पर बनाए रखा जाता है, तो ये इजी होता है टू ऑपरेट। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट देखो आप। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने इन क्वेश्चंस का आंसर कर दिया ना, समझो आपका बहुत तैयारी थोड़ी सी अच्छी है, मैं ये समझूंगी, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, और नहीं आंसर किया तो फिर मैं समझूंगी कि अभी आप लोगों की तैयारी बहुत कच्ची है। चलो बताओ मुझे, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो, इसरो ने जो हमारे देश का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम क्या था और वो कब लॉन्च किया था? जल्दी आंसर आना चाहिए। देखते कितने बच्चे इसका आंसर करते, मेरी नजरें कमेंट सेक्शन पे हैं। ओके, यस, किसी को भी नहीं पता इसका आंसर। वेरी बैड, हाँ वेरी बैड, नाक कटवाओगे तो तुम लोग पेपर में मेरी, है ना, ऐसे ही है कुछ, ऐसे ही है ना। चलो देखो, फर्स्ट सैटेलाइट जो कि 1975 में लॉन्च किया था और इसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, अच्छा फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है आपका, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट पूछा जाए तो ये हो जाएगा एप्पल, जो 1981 में लॉन्च किया था फ्रेंच गुयाना से। फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट पूछा जाए तो ये है आपका GSAT-7A, इसको रुक्मणी भी कह सकते हो, ये भी फ्रेंच गुयाना से ही छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये तो जरूर है आप लोगों को जो कि याद रखने हैं यहाँ पर, इज इट ओके? अब छाप लीजिएगा दिमाग में, पेपर में जरूर यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। और अगर हम इसरो की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पर इसके जो हेड बनाए गए थे उनका नाम था S. सोमनाथ। हेड कौन है? S. सोमनाथ यहां पर इसरो के हेड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की। हां जी, मुलेठी किस किसने खाई है? आप में से किस किसने खाई है मुलेठी? मुलेठी का यूज होता है ना, देखो मुलेठी कहाँ कहाँ यूज की जाती है। एक तो मसालों में यूज होती है, आयुर्वेदिक दवाई बनाने में यूज होती है, और हमारे यहाँ पर जैसे खांसी होती है तो भी सजेस्ट किया जाता है कि थोड़े से मुलेठी लेके और दांत के बीच में दबा के रखो तो आपको खांसी नहीं आएगी। किया होगा आप लोगों में से कई लोगों ने। तो मुलेठी जो है ना वो एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में इसका ना प्रोडक्शन नहीं होता है, हम इसको बाहर के देशों से मंगवाते हैं, इसका हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये हम कहाँ से मंगवाते हैं मुलेठी? तो देखो अफगानिस्तान से ये हम मंगवाते हैं, अफगानिस्तान से मंगवाते हैं, नेपाल से, चाइना से मंगवाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मुलेठी की खेती हमारे देश में होगी, खुशी की बात है ना। चलो, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मुलेठी की खेती जो है वो हमारे देश में होगी, तो कौन से राज्य में की जाएगी ये आपको बताना है, कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में।
हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने बहुत सारी चीजों में पहली बार खेती यहाँ से शुरू की है, जैसे कि हींग की खेती हो गई, संगठित दालचीनी की खेती हो गई। दालचीनी भी हम बहुत सारी जो है प्रोडक्शन नहीं होता है, कम होता है, ये भी हम बाहर के देशों से ही मंगवाते हैं। ठीक है, तो पहली बार हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की खेती शुरू की गई। अब इसकी खेती जो है वो कहां पर शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट आपका बन चुका है। बाकी देखो, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां से, जैसे कि ई पंचायत पुरस्कार को जीतने वाला ये पहला स्टेट बना था, ई कैबिनेट मिशन को लागू करने वाला ये पहला स्टेट बना था। ठीक है, और ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे लंबी सड़क ये बनाने वाला और जल्दी बनाने वाला ये पहला स्टेट था। इसका मंडी जिला था जो कि नंबर वन पे आया था। एंड एक और चीज थी, हाईएस्ट चार्जिंग स्टेशन, वो भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, यहीं पर बनाया गया था। ठीक है, चलो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हिमाचल प्रदेश। ओके, हाँ जी, एक सेकेंड, पहले फैक्ट्स कर लेते हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश घूमेंगे। ठीक है, देखो नबार्ड ने प्राकृतिक खेती के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया था? तो नबार्ड ने कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था जीवा, नेचुरल फार्मिंग के लिए चलाया था। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करने वाला जो पहला राज्य बना था ये कौन सा था? केरल राज्य बना था। ठीक है, संगठित दालचीनी की खेती करने वाला पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश बना था। खेती के नाम से एक स्टार्टअप है जो कि 2022 में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, अर्थ अर्थ शॉर्ट प्राइज था ये, अर्थ शॉर्ट पुरस्कार दिया गया था। और ये जो है किसका किसका कौन से राज्य का ये स्टार्टअप था? तेलंगाना का स्टार्टअप था ये। ठीक है, यहां लिख देती हूँ मैं, चलो ये स्टार्टअप था कौन से राज्य का? तेलंगाना का ये स्टार्टअप था। ओके, अब आते हैं हम हिमाचल प्रदेश, चलिए आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा घुमा के लाते हिमाचल प्रदेश। रेडी? ओके, सो ये रहा मैप में आपका हिमाचल प्रदेश। शिमला जो है वो इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। ये कुछ राज्य हैं जिससे बाउंड्री शेयर करता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड हो गया, चार राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो बने थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ पे गवर्नर की बात करेंगे तो नए बनकर आए थे जिनका नाम था क्या? शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला। मैंने आप लोगों को ट्रिक से याद करवाए थे सारे गवर्नर, याद है कि नहीं है? इसको ऐसे याद रखना, शिवजी भगवान हिमालय पे रहते हैं ना, तो हिमाचल में हिमालय है, ऐसे आप लोग इसको याद रखोगे। अब देखो ध्यान से, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको पोंग डैम मिलता है। सारा हिमाचल घुमा दूंगी, बस एक मिनट दे दो मुझे। पोंग डैम मिलेगा यहाँ पर, जो व्यास नदी पर बना हुआ डैम है। यहीं पर आपको भाखड़ा नांगल डैम मिलता है जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। यहीं पर चमेरा डैम आपको मिलेगा जो कि रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये तो डैम हो गए आपके। यहां पर आपको नेशनल पार्क कौन कौन से मिल जाएंगे? तो देखो, एक तो मिलता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क, ओके, संबल बारा नेशनल पार्क, संबल बारा नेशनल पार्क आपको यहां मिलेगा, खीर गंगा नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, और डांस कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? फोक डांसेस की बात करेंगे तो फोक डांसेस देखो कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पे किया जाता है नाटी डांस, डांगी डांस यहाँ पे होता है, छपेली डांस यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अटल टनल जो है सबसे ऊंची टनल, ये आपको यहां पर मिलती है, 9.202 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। यहीं पर दर्रे कौन कौन से मिलेंगे? शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में मिलता है, शिपकिला दर्रा, एक है बारा लाचा दर्रा, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलता है। तो मैंने पूरा हिमाचल प्रदेश आपको घुमा दिया है, मेरे ख्याल से कोई भी चीज नहीं छूटी है, कुछ छूट गया है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना? ओके, चलो मैम हम तो यहीं रहते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन पूछेंगे ना, एक जवाब दे नहीं पाओगे फिर भी देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट, ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं कौन? चलो भाई, ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले, सबसे पहले चीज तो ये जो ईरानी कप है इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा था? तो एमपी के अंदर हो रहा था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, तो ईरानी कप के जो पहले दिन ही एमपी के खिलाफ शेष भारत की ओर से जो यशस्वी जायसवाल हैं इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, यशस्वी जायसवाल ने रिकॉर्ड बना दिया। और यहां पर इन्होंने, ये 21 वर्ष की आयु है सिर्फ इनकी, और दोहरा शतक जड़ दिया इन्होंने, सिर्फ 21 वर्ष की आयु में दोहरा शतक जड़ दिया है इन्होंने और इस इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ठीक है, तो ये चीजें यहां तक याद रखिएगा। और पहले दिन का खेल जिस समय समाप्त हुआ तो शेष भारत की टीम 87 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 387 रन बना चुकी थी। यशस्वी जायसवाल की बल्ले का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने 259 गेंदों में 213 रनों की शानदार पारी खेलने के साथ ईरानी कप के इतिहास में ऐसा करने वाले ये 10वें नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। ओके, इन्होंने दलीप ट्रॉफी ईरानी कप में दोहरा शतक लगाने का ये कारनामा किया है। अच्छा, कौन कौन से कप दिए जाते हैं क्रिकेट में, क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफीज दी जाती है? चलो पहले ट्रॉफीज देख लेते हैं। देखो यहाँ पे होती है एक तो रणजी ट्रॉफी हो गई, ऊपर लिखा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे दी जाती है विजय हजारे ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, एक होती है सैयद मुश्ताक अहमद अली ट्रॉफी, एक दी जाती है दिलीप ट्रॉफी, भी क्रिकेट से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी भी आपकी, एक होती है सीके नायडू ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट में दी जाती है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे, अभी इसका आयोजन किया गया था 2022 आएगा यहाँ पे, 2022-23 में इसका आयोजन हुआ था, तो इसको किसने जीता है? तो याद रखना इसको सौराष्ट्र ने जीता है, सौराष्ट्र ने जीता, और किसको हरा करके? बंगाल को हरा कर जीता। ठीक है, इसको सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा कर जीता। और यहां से एक इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, जयदेव उनादकट का नाम याद रखिएगा, इन्होंने पहले मैच के पहले ओवर में ही हैट्रिक ली थी इसलिए। ठीक है, अच्छा अभी कतर ओपन टेनिस टाइटल 2023 का आयोजन हुआ है, इसको किसने जीता? डेनियल मेडवेडेव ने जीता, ये रशिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते तो बोर हो जाते हो क्या? जैसे देखो और अगला क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स का ही है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते ही कुछ कुछ बच्चे तो क्लास ही छोड़ देते हैं। भैया स्पोर्ट्स का भी तो इम्पोर्टेंट है ना क्वेश्चन। हाँ, मुंबई इंडियंस ने पहले सीजन के लिए घोषित किया है कप्तान, और ये आप देखिए पा रहे होंगे किनको घोषित किया गया है, हरमनप्रीत कौर को घोषित कर दिया है। किन्हें? हरमनप्रीत कौर को। मुंबई इंडियंस ने वुमेन प्रीमियर लीग के लिए अपना जो कैप्टन बनाया है वो हरमनप्रीत कौर को बनाया है, और ये जो है इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने अगर इनकी मैं बात करूं हरमनप्रीत कौर की, तो इन्होंने 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, और ऐसा करने वाली ये पहली जो है वुमेन क्रिकेटर बनी है हमारे देश की। ठीक है, हरमनप्रीत कौर 150 ये T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुकी है और ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है। फिलहाल ये वुमेन क्रिकेट टीम के क्या है? कैप्टन है, और अभी मुंबई इंडियंस ने वुमेन प्रीमियर लीग के लिए इन्हें कैप्टन बनाया है। चलो, तो ये जो WPL है वुमेन प्रीमियर लीग, इसका पहला मैच जो है महाराष्ट्र के जो डीवाई पटेल स्टेडियम है यहां पर होगा, जो कि मुंबई और किस किस के बीच में खेला जाएगा? गुजरात टाइटंस के बीच में, मुंबई एंड गुजरात टाइटंस के बीच में खेला जाएगा, जो इसका पहला मैच रहेगा। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए कि WPL में सबसे महंगे जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? हाँ जी, WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी जो है ये कौन है? इनका नाम क्या है? स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी है ये WPL की। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली जो पहली भारतीय है वो कौन है? T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय पूछा जा रहा है,
तो ये बनी थी, दीप्ति शर्मा नाम है इनका। क्या नाम है? दीप्ति शर्मा। और दुनिया में ये 9th नंबर पे है। फर्स्ट इंडियन बनी थी और दुनिया में दूसरे 9th नंबर पे है। अच्छा, वुमेन्स T20 के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली जो पहली बल्लेबाज बनी थी, इनका नाम क्या है? ये कौन बताएगा? इनका नाम सुजी बेट्स है और ये इंग्लैंड से बिलोंग करती है। सुजी बेट्स है जो कि कहां से बिलोंग करती है? इंग्लैंड से। सो वुमेन T20 के इतिहास में ये 1000 रन बनाने वाली पहली महिला बल्लेबाज बनी थी। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है यहां तक सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के तहत W20 की बैठक हुई है, वुमेन 20। हम सभी जानते हैं कि G20 के जो अध्यक्षता है वो किसके पास में है? भारत के पास में है। ठीक है, तो अभी G20 की अध्यक्षता के तहत ही वुमेन 20 की, ये ब्रैकेट मारेंगे, ठीक है, और W20 यानी कि वुमेन 20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसकी पहली बैठक है जो कि संभाजी नगर में आयोजित की गई। हम सभी जानते हैं औरंगाबाद नाम की जो जगह थी, इसी का नाम चेंज करके क्या किया गया है? संभाजी नगर किया गया है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर आपको ये पर्टिकुलर जगह मिलती है। तो भाई वुमेन 20 की पहली मीटिंग हुई है यहाँ पर। इसकी थीम क्या रखी है? नीचे आप देख रहे हैं, ये इसकी थीम है, परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई है। वुमेन 20 की बात करेंगे तो कब से शुरू हुआ ये वुमेन 20? 2015 से शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत किस देश से हुई थी? टर्की से हुई थी इसकी शुरुआत। टर्की से इसकी शुरुआत होती है और इसकी जो पहली बार है जो मीटिंग, जो कि भारत में की जा रही है, इससे पहले भारत में इसकी कभी मीटिंग नहीं हुई थी। पहली बार इसकी मीटिंग कहां की जा रही है? इंडिया में। ओके, तो ये महिला T20 की ना 3 मीटिंग्स होंगी यहाँ पे। कितने होंगे? 3 मीटिंग्स होंगी इस साल भारत के अंदर। जो पहली मीटिंग है ये तो हो रही है आपके संभाजीनगर में, ठीक है। इसकी जो दूसरी मीटिंग होगी वो अप्रैल में होगी और राजस्थान के जयपुर में की जाएगी। और इसकी जो तीसरी मीटिंग होगी ये जून में होगी, अभी 2023 में, और ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में होगी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये वुमेन 20 की 3 मीटिंग्स हैं जो G20 की तहत भारत में आयोजित की जानी है। समझ आए यहां तक क्वेश्चन सभी को? हां जी, किसी को कोई डाउट यहां तक? चलो अब देखो, G20 की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और G20 के अंदर 19 मेंबर कंट्रीज हैं, प्लस एक है यूरोपियन यूनियन, टोटल 20 इसके अंदर मेंबर्स हैं, ठीक है। G20 की 2022 की जो अध्यक्षता है वो किसके पास में थी? 2022 वाली थी इंडोनेशिया के पास में, और 2023 वाली भारत के पास है। 24 वाली किसके पास जाएगी इसकी अध्यक्षता? ब्राजील के पास में जाएगी, ठीक है। तो G20 की हमारे देश में जो पहली मीटिंग हुई थी वो कहां हुई थी? G20 की जो पहली मीटिंग होती है हमारे देश में ये कहां पर हुई थी? पुडुचेरी में। इसकी पहली मीटिंग का आयोजन कहां किया जाता है? पुडुचेरी में, ठीक है। चीजें क्लियर है सभी को यहां तक? ओके, सो करंट अफेयर्स के तो इतने क्वेश्चन थे गाइस। मैं 5 क्वेश्चन आपको GS की कराऊंगी, ठीक है। 5 क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको GS की कराऊंगी, इनका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ही देना है, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं 10 करा देती लेकिन अभी टाइम नहीं है इतना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इमल्सन में क्या होता है? इमल्सन होता क्या है? देखो, इमल्सन जो होता है इसमें ना 2 लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। इमल्सन में क्या होता है? इमल्सन में 2 लिक्विड्स होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोलाइड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें 2 या 2 से अधिक गैर समरूप प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं। 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? इसमें लिक्विड्स होते हैं। तो 2 लिक्विड्स में से एक में तरल पदार्थ के विभिन्न रूपों का फैलाव होता है। आप इसको वन लाइनर की फॉर्म में याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं, इसमें 2 प्रकार के लिक्विड्स पाए जाते हैं, ठीक है। 2 लिक्विड्स का ये मिश्रण होता है जहां एक छोटे यहां तक कि अति सूक्ष्मदर्शी आकार की बूंदों के रूप में होता है जो एक दूसरे में वितरित होते हैं। ओके, नेक्स्ट।
हाँ जी, 64th वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में किस एल्बम ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता? भाई ग्रैमी अवार्ड्स की बात करेंगे, 64th एडिशन जो आया है इसका, म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है, सो 64th जो एडिशन है वो किस एल्बम ने जीता है, एल्बम पूछा जा रहा है यहाँ पे। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो देखो यहाँ पे जो मदर नेचर है एल्बम है, मदर नेचर, इसने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। ग्रैमी अवार्ड्स यूएसए के द्वारा दिए जाते हैं म्यूजिक की फील्ड में, इनकी शुरुआत जो है वो 1954 से होती है, ओके, और ये हर साल दिए जाते हैं आपके। सो मदर नेचर ने जीता है बेस्ट एल्बम का। ओलिविया रोड्रिगो 19 साल की एक अमेरिकी गायक गीतकार है, इन्होंने यहाँ पे 3 पुरस्कार जीते, इसमें सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार शामिल है। उन्होंने सोर, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम भी जीता है। ओलिविया रोड्रिगो, ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, किस भारतीय भारोत्तोलक ने बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल, जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था ना आपका बर्मिंघम यूके के अंदर, ठीक है, तो 2022 में पुरुषों के 67 kg की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था, यहां पर किसने जीता था गोल्ड मेडल, ये आपको बताना है। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, गोल्ड मेडल यहां पर किसने जीता था? हाँ जी, मिथिलेश सिंह ऑप्शन सी, सोमवीर ऑप्शन सी, देवाजीत। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन का ये आप लोग आंसर कर रहे हैं। हाँ पीडीएफ तो डेली मिल रहा है आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए पिंकी सरवा के नाम से, वहां पर डेली पीडीएफ मिल रहे हैं, ठीक है। देखो जिन्होंने आंसर किया है जेरेमी लाल रिमुंगा, ठीक है, इन्होंने जीता था भाई यहाँ पे गोल्ड मेडल 67 kg की कैटेगरी में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने ये इंडियन है, इन्होंने क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में कुल 160 kg भार उठाया और कुल 300 kg भार उठाया, ठीक है। मीराबाई चानू वेटलिफ्टर है, 30 जुलाई को इन्हें गोल्ड मेडल जीतने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का ये दूसरा गोल्ड जीता, इन्होंने महिलाओं की 49 kg की कैटेगरी में गोल्ड जीता। और मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर जीता था, वो भी 49 kg की कैटेगरी में। इंद्रधनुष वर्णक्रम का एक उदाहरण है जो निम्न में से किसके कारण होता है? रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्ट्रम दैट ओकर्स ड्यू टू, किस वजह से होता है इंद्रधनुष, जिसमें 7 रंग आपको दिखाई देते हैं ना, बचपन से आप लोग देखते आ रहे होंगे, साफ आसमान में ये दिखाई देता है, तो ये किस वजह से होता है? लाइट्स के डिस्पर्सन की वजह से होता है, जो प्रकाश का डिस्पर्सन होता है, विक्षेपण होता है, उस वजह से हमें क्या है इंद्रधनुष, रेनबो दिखाई देता है, जिसमें 7 कलर हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। ये कैसे होते कलर? बैंगनी, नीला, नील, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सैयद वंश के संस्थापक खुरेज खान निम्न में से किस शासक के अधीन मुल्तान का राज्यपाल था? कौन था भाई? ये आपका एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सैयद वंश के संस्थापक खुरेज खान है, ठीक है। सो निम्न में से किस शासक के अधीन मुल्तान का ये राज्यपाल था, किसके अधीन था ये आपको बताना है। चलो आंसर करो फटाफट से, ओके। किसी को नहीं पता इसका आंसर, चलिए नोट करेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, सो इसी के अधीन जो है मुल्तान का राज्यपाल था खुरेज खान, खुरेज खान, ठीक है। जो सैयद वंश जो है ये दिल्ली पर शासन करने वाले 5 वंशों में से एक है सैयद वंश, ठीक है। चलिए ये मैंने काफी बार करवा दिया है वैसे तो, कि दिल्ली पर जो शासन करने वाले जो 5 वंशों का क्रम है ये काफी बार मैं हालांकि लिखवा चुकी हूँ, तो आई होप आप लोगों को चीजें याद होगी। सो गाइज, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम कल के सेशन में। डेली जो क्लास का टाइम है वो 7:00 बजे है, तो एवरीडे 7:00 बजे प्लीज आप लोग क्लास में पहुंच जाया करें, ठीक है। जाने से पहले जो नए बच्चे हैं आज की क्लास के, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके, और सेशन को लाइक एंड शेयर तो आप लोगों को करना ही है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए सो मिलते हैं गाइस फिर कल।